अथ सत्संग दीक्षा। सत्संग दीक्षा ग्रंथ श्लोक नंबर 171 थी 175। श्लोक नंबर 171। वचने वर्तने क्वापि विचारे लेखने तथा कठोरतां भजे नैव जनः कोऽपि कदाचन। कोई पण मनुष्य पोताना वचन वर्तन विचार तथा लखाण मां कठोरता क्यारे न राखवी। श्लोक नंबर 172। सेवा मातुः पितुः कुर्याद् गृहे सत्संगमाश्रितः प्रतिदिनं नमस्कारं तत्पादेषु निवेदयेत्। गृहस्थ सत्संगीये माता पितानी सेवा करवी, प्रतिदिन तेमना चरणों मा नमस्कार करवा। श्लोक नंबर 173। स्वशुरः पितृवत् सेव्यो वद्वा स्वश्रुश्च मातृवत् स्वपुत्री वत्स्नुषा पाल्या स्वश्रापि स्वसुरेण च। बहुए ससरानी सेवा पिता तुल्य गणी अने सासुनी सेवा माता तुल्य गणी करवी। सासु ससराए पण पुत्र वधुनु पोतानी पुत्रीनी जेम पालन करवू। श्लोक नंबर 174। संपाल्यः पुत्र पुत्र्यश्च सत्संग शिक्षणादिना अन्ये संबंधिनः सेव्या यथा शक्ति च भावतः। गृहस्थोए दीकरा दीकरीओनु सत्संग शिक्षण वगैरे थी सारी रीते पोषण करवु। अन्य संबंधियोनी पोतानी शक्ति प्रमाणे भाव थी सेवा करवी। श्लोक नंबर 175। गृहे हि मधुरां वाणीं वदेद् वाचं त्यजेत् कटुं कमपि पीडितं नैव प्रकुर्याद् मलिनाशयात्। घरमां मधुर वाणी बोलवी, कड़वी वाणी नो त्याग करवो अने मलिन आशय थी कोई ने पीड़ा न पहुंचाड़वी। अमने आशा छे के आ वीडियो आपने अवश्य पसंद आव्यो हशे। आ वीडियो आपने केवो लाग्यो ते कमेंट करी अमने अवश्य जणावशो। वीडियो ने लाइक अने शेर करवानु न भूलता। आवी ज रसप्रद वीडियो मेळववा माटे बेल आइकॉन दबावशो। जय स्वामी नारायण।